क्रिकेट जगत से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए क्रिकेट की खबरें सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आईसीसी विश्व कप 2019 के पहले सेमीफाइनल में हार के जिम्मेदार बने महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर भारतीय टीम को विश्व कप से बाहर करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। दोस्तों बता दूं कि विश्व कप के सेमीफाइनल में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेली, जिसमें अंत में महेंद्र सिंह धोनी के गलत समय पर आउट हो जाने की वजह से भारतीय टीम को ये मुकाबला गंवाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली के गलत फैसले की वजह से धोनी को निचले क्रम में बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा, जिसका खामियाजा पूरी भारतीय टीम को विश्व कप को हार कर चुकाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी को सीधे थ्रो से रन आउट कर मैच को न्यूजीलैंड के पक्ष में मोड़ने वाले मार्टिन गुप्टिल ने न्यूजीलैंड के समाचार चैनल से कहा, भारतीय टीम के खिलाफ पहला सेमीफाइनल मुकाबला हमारे लिए एक बड़ा मुकाबला था। एक समय पर हम इस मुकाबले में पूरी तरह हारे हुए दिखाई दे रहे थे। जिस तरह रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी कर रहे थे, इससे साफ जाहिर हो रहा था कि भारतीय टीम अंत में ये मुकाबला हमारे हाथ से छीन कर ले जाएगी। लेकिन हमारे गेंदबाजों ने भी सटीक गेंदबाजी जारी रखी, जिसका फायदा हमें मिला और हम ये सेमीफाइनल मुकाबला जीत पाए। लेकिन जब गुप्टिल को धोनी के रनआउट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, धोनी का रनआउट मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि धोनी ही इकलौता ऐसा दिग्गज खिलाड़ी है जो नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखा सकता है। लेकिन इस मुकाबले में बदकिस्मती से धोनी भारतीय टीम को जीत ना दिला सके, वरना धोनी ऐसी सिचुएशन में भारतीय टीम को जीत दिलाने में पूरी तरह माहिर खिलाड़ी है। उन्होंने आगे कहा, अगर कप्तान और कोच धोनी को बल्लेबाजी के लिए ऊपर भेजते तो वो सेट होकर शुरुआत से ही बड़े शॉट खेल सकते थे, लेकिन अंत में सारा दबाव धोनी के ऊपर आ गया और रन लेने के चक्कर में उनको आउट होना पड़ा और इस रन आउट के चलते ही हम ये सेमीफाइनल मुकाबला जीत पाए। तो दोस्तों, क्या आप मार्टिन गुप्टिल के बयान से सहमत हैं और आपके मुताबिक धोनी को कौन से नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आना चाहिए था? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।